तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। जैसे कि मैं पिछली कई वीडियो से करता आ रहा हूँ, और आज हम बेसिकली देखने वाले हैंड रिटन नोट्स हैं। और नोट्स क्या, एक टाइप का इन्होंने ब्रीफ कर रखा है, ठीक है, आप ऐसे ही देख के समझ लेंगे। और कि हमें कॉम्पिटिटिव जर्नी को कैसे बढ़ाना है अपने, और हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे, हमारी दिक्कतें कैसे सॉल्व होंगी, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, हो रही होंगी आगे वीडियो में। तो शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होती है, ठीक है, अगर आप देखेंगे आगे तो कंपनी में ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि शेफ वॉन्ट्स टू मेक लड्डूज, ये सारे सवाल नहीं आते हैं कंपनी में, प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं। मगर वो सॉल्व करने की एबिलिटी हमारी इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने से होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होती है, पहला पॉइंट। दूसरे, प्लेसमेंट इंटर्नशिप, जैसा कि आपको बताया कि आपका अगर बाकी चीज़ों में हाथ ढीला है ना, तुम्हें वेब डी नहीं आती, तुम्हें एंड्रॉयड नहीं आता, तो तुम्हारे पास एक औजार है जो है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, सीखोगे तो क्यों नहीं आएगा। मगर अगर सीपी में तुम्हारा हाथ अच्छा है तो तुम्हारी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। कैसे आसानी होती है, देखो ना जाने कितने सारे वो हैं, कंपनीज हैं जो तुम्हारी रैंक देख के बताते हैं, क्योंकि रैंक ही है हमारा। या फिर दूसरा तरीका है, वो खुद टेस्ट लेते हैं। जैसे प्लेसमेंट के टाइम पे क्या होता है, कंपनीज आती हैं, खुद टेस्ट लेती हैं बच्चों का, और जो उन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को कर पाता है वो आगे निकल जाता है ना। तो एक टाइप का यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा अगर तुम्हें सीपी में पहले से ही कमांड है। तो जिन जो बच्चे क्वेश्चनों में स्ट्रगल कर रहे होंगे, तुम आउटपुट निकाल के बैठ रखे होगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ऑनलाइन कोडिंग राउंड फॉर प्लेसमेंट। यही चीज़ मैं बता रहा था तुम्हें, प्लेसमेंट में ग्राउंड होता है। देखो प्लेसमेंट होने के बाद भी काम आता है डेफिनेटली, तभी राउंड हो रहा है। तो वो राउंड में क्या होता है, तुम्हारे पास क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और मिनिमम क्राइटेरिया होता है। बोलते हैं कि तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, कंपनी आई है, विप्रो आई है, 5 क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें, और तुम्हें उनमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो वहाँ पे बच्चे छट जाते हैं, कोई 2 कर पाता है, कोई 3 भी पूरा नहीं कर पाता, पार्शियल मार्किंग होती है, तो ऐसे बच्चे छट जाते हैं। फिर बचते हैं टॉप के बच्चे, ठीक है। वो टॉप के बच्चों में आने के लिए, या फिर ऐसे कह दो कि तुम किसी की कंपैरिजन मत करो, तुम खुद को ही ऐसे कि 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सीपी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आता है, रेफरल इजीली मिल जाता है। अगर तुम रेफरल की बात करो लिंक्डइन पे, या फिर किसी जान पहचान पे जो पहले से ही अमेज़ॉन या ऐसी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है, तो उसको अगर रेफ़र करना हो तुम्हें, तो क्या सबूत लेगा वो, तुम्हारे कॉलेज के GPA भी चलेगा, CGPA भी चलेगा, है ना, ग्रेड्स भी चलेंगे कॉलेज के, मगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ भी चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे वो तुम्हारे कोड सेफ, कोड फोर्सेस, ऐसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के रैंकिंग पूछता है वो, ठीक है। बोलते हैं कि तुम्हारा रेफरल दे देंगे, तुम्हारे कोड सेफ पे कितने हैं, कितने स्टार हैं, है ना, कोड फोर्सेस पे कितने क्या हो रखे हो तुम, है ना। तो ये सारे सवाल आ जाते हैं तुम्हारे। और अगर तुम बहुत ही मान लो कैंडिडेट मास्टर हो रखे हो तुम कोड फोर्सेस पे, तो तुम्हें क्या, कोई ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो मना कर देगा। इवन कंपनी देखती है ना कि बंदे राइज कर रहे हैं, तो वो पकड़ लेते हैं। और इवन कोड फोर्सेस में तो इतने कॉन्टेस्ट होते हैं, और हर मतलब कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि अगर इन कॉन्टेस्ट को आपने कर दिया तो फिर कंपनी का फॉर्म भी भरना होता है वहाँ पे साइड में, जो चाहते हैं भरना वो भरते हैं, ठीक है। रिज्यूमे दे दिया और ये सारे क्वेश्चन कर दिए, कंपनी आपसे बात करेगी। तो बात करते हैं अब हम प्री रिक्वेस्ट की। मतलब आपको मैंने बता दिया कि आपको रेफरल आसानी से मिल सकता है, प्लेसमेंट में हेल्प हो सकती है, और हमारी कॉम्पिटिटिव सेंस में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बात करते हैं प्री रिक्वेस्ट, है ना, यानी अब तुम्हें शुरू करना है, ठीक है। तुम मेरे को पता है तुमने शुरू कर लिया होगा, स्टिल है ना, चलते हैं।
लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज पकड़े? देखो लैंग्वेज कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, मगर एक पकड़ लो, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमसे एक प्रोग्राम है जो पाइथन में बन रहा है मगर सी प्लस प्लस में क्या लगाते हैं वो भूल गया मैं, ठीक है? मतलब अगर मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, पाइथन में क्या करते हैं, लेन लगाते हैं, LEN लेन, और स्ट्रिंग ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिख देते हैं, तो क्या होता है स्ट्रिंग की लेंथ आ जाती है, मगर सी प्लस प्लस में वही थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो मान लो तुम ऐसे, तुम आधे अधूरे प्रोग्राम याद है तुम्हें, तब भाई दिक्कत है। एक लैंग्वेज पे कमांड रखो, ठीक है? सेकंड थिंग आता है बेसिक DSA होना चाहिए। बेसिक DSA किसे कहते हैं, अभी आऊँगा मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं यही करूँ कि DSA जो है बेसिक वाला पार्ट, वो किन किन वेबसाइट्स, किन किन रिसोर्सेज पे आसानी से मिल रहा है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड, ठीक है? वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ, कहाँ पे मिल रहा है, कैसे करना है, ठीक है? तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है? तो बेसिक DSA में क्या है, आपको 400-500 क्वेश्चन लगाने हैं एटलीस्ट, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या होंगे, ये क्वेश्चन हमारी स्किल्स को बढ़ा रहे होंगे, ये हमारे एबिलिटीज़ को इन्हांस कर रहे होंगे। अगर एक DSA का टॉपिक हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड अगर हमसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है। तो ऐसे बेसिक DSA क्वेश्चन, ठीक है? कोई ट्रिकी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे लीड कोड में बहुत होते हैं, ट्राई करना उनको, ठीक है? बात करते हैं रिसोर्सेज की, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, ठीक है? और हमें जो काम, हमारे काम के रिसोर्सेज जो हैं वो हमें मिल भी जाते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को नहीं मिलते हैं, ठीक है? क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखो रिसोर्सेज बहुत सारे होने की वजह से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है? हर कोई, हर तीसरी चौथी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो DSA का कोर्स निकाल रही है, और वो रिनाउंड नहीं है, तो उन्होंने कम नॉलेज, कम ज़्यादा एरर्स का यूज़ हुआ होगा, है ना? तो इसलिए कहता हूँ कि रिसोर्सेज के लिए आप बुक्स और वेबसाइट प्रेफर करें, ठीक है? बुक्स एंड वेबसाइट्स। गाइड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है? अगर आपने सुना है इसका नाम तो फिर अच्छी बात है, नहीं सुना है तो ये बहुत ही मतलब इसी चीज़ के लिए बनी है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बनी है। मेरे पास भी होगी, मैं दिखाता हूँ आपको अगर वेट, गाइड, हाँ ये देखो, गाइड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आप भी डाउनलोड कर लें, नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। जिसको नहीं मिली है वो मेरे को बता दें, मैं एक बार क्या करूँगा इसके बारे में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है? वैसे तो मैं सोच रहा हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप डाउनलोड कर लें इसको। तो ये है गाइड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और किसके द्वारा है, ये व्यक्ति, मैं बोला नहीं जा रहा नाम इसका, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, सच है, देख लो। तो ये है हमारी बुक, और 300 अप्रॉक्स पेज की है, 286 की है, ठीक है? इसको ट्राई करें, इस बुक को पढ़ें, और ये बुक जो है क्लियर करती है बहुत से कॉन्सेप्ट, ठीक है? एक और बुक है, मैं सोच रहा हूँ यार बुकों के बारे में बताऊँ। तो देखो गाइड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो बुक पढ़नी है आपको, ठीक है? और भी बुक्स हैं, पहले आप एक बुक पे स्टिक रहें, ठीक है? क्योंकि इस बुक में इतना कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें बजाय कि 10 बुकें पढ़ने की, ठीक है? नॉलेज बेसिस पे तो ठीक है, मगर वही है ट्यूटोरियल हेल में फंस जाएंगे। वेबसाइट की बात करूँ तो देखो कोड फोर्सेस, ये दो नाम हमेशा छाते हैं, ठीक है? कोड फोर्सेस और कोड शेफ, बड़ा धंधा है, मतलब वर्ल्ड वाइड चल रहा है। हम कोड फोर्सेस की बात करें, कोड शेफ की बात करें, या CP एल्गोरिथम्स की बात करें, CSES प्रॉब्लम्स, CP सीरीज, गीक इंजीनियर, ठीक है? गीक्स फॉर गीक्स, ये सारी चीज़ें वेबसाइट के रूप में आ जाती है हमारे लिए, ठीक है? वैसे मैं बताऊँ आपको, इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर आप एक ऑप्शन भी टच कर देते हैं ना और उसी में आगे बढ़ते हैं, तो वही है, तो वो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। हम क्या करते हैं, पहली सीढ़ी पे चढ़ा, 10 स्टेप चले, वापस आए दूसरी सीढ़ी पे, वापस मतलब वापस ना आए वहीं रहने दो, आगे बढ़े दूसरी सीढ़ी पे चढ़े, 10 स्टेप चढ़े, तो खजाना मिलेगा क्या? खजाना आखिरी सीढ़ी पे है। तो मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ पकड़ें, एक बुक पकड़ें, एक वेबसाइट पकड़ें, बढ़ें आगे फटाफट से, ठीक है? अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है? तो ये थी हमारी वेबसाइट। टॉपिक की बात करते हैं, देखो
टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इसके तो ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे इतने टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो जर्नली जो है ब्रॉडर रेंज में जो बोले जाते हैं, जैसे मैथ्स, नंबर थ्योरी, बाइनरी सर्च, ग्रीडी एल्गो, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग, सेगमेंट्री, बिट ग्राफ एल्गो एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। अब तुम बोलोगे टॉपिक्स क्या क्या हैं, ये कैसे पता चलेगा? देखो सब मिलेगा, मैंने आपको ध्यान अगर आपको आ रहा होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जिसमें मैंने आपको बताया था कोड फोर्सेस में रेड तक कैसे पहुँचे, रेड कोडर कैसे बने, है ना। उसमें आपको तरीका बताया था मैंने, उसमें एक लिस्ट दी थी मैंने आपको, ध्यान देना, अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना। उसमें लिस्ट दी थी कि सारे के सारे जो जो टॉपिक्स हैं ना उसके लिए उन्होंने एक टेबल बना रखी है और वो बहुत लंबी टेबल है, 100-200 ज़्यादा हो गया, 100-150 ऐसे कॉलम उसके रोज़ हैं। ठीक है, और हर रो जो है क्लिकेबल है, यानी क्लिक करा काम हो गया, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर सेकंड थिंग आ जाती, थर्ड थिंग आ जाती है स्ट्रैटेजीज़, कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। अभी तक हमने देखा क्यों ज़रूरी है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या टॉपिक है। फोर्थ थिंग है स्ट्रैटेजी, है ना। तो स्ट्रैटेजीज़ में क्या है कि तरीका क्या है करने का। देखो रिसोर्सेज सबके पास हैं अगेन, है ना, सबके पास किताबें हैं, मगर अप्रोच क्या लगाएं। तो स्ट्रैटेजीज़ में आ जाता है हमारा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट और दूसरा आ जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेल्फ, यानी देखो जैसे हम ये कुछ इस तरह से कि हमारा एग्ज़ाम है, तो तुम एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्या करते हो, पहले सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेल्फ में आ जाती हैं। अभी थोड़ा इसको और इलेबोरेट करूँगा, मगर ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑनलाइन कॉन्टेस्ट वैसे तो आपको पता ही है, हर एक वेबसाइट जो है एक ऑर्गेनाइज करती है, और इवन ऐसी वेबसाइट भी करती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे हाल ही में कोरा ने भी किया था। ठीक है, कुछ डेवलपर्स को हायर करने के लिए उन्होंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसको जीतने वाला व्यक्ति कोरा में हायर होने के लिए फिट बैठता है, या फिर उसको कोई प्राइज़ वाइज मिलेगा। ठीक है, कोरा हर साल करता है ये सब, तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेरे को ये बहुत अलग सा लगा। हाँ, तो बात करते हैं ऑनलाइन कॉन्टेस्ट की। तो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट जैसे कोर फोर्सेस 6-7 मंथली करता है, ठीक है, एक मंथ में 6-7 ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करता है। तो जैसे कि आपको मैंने डिटेल में बता रखा है कोर फोर्सेस की वीडियो में, कोर फोर्सेस Div 1, Div 2, Div 3 ऐसे करके राउंड करता है। ठीक है, Div 2, Div 1 के एक साथ कर देता है, Div 3 के अलग करता है, आसान क्वेश्चन अलग करता है। उनके आसान क्वेश्चन भी आप देखोगे तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट कोड फोर्सेस ऑर्गेनाइज़ करता है, वर्चुअल कॉन्टेस्ट होते हैं, वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी जानते होंगे। फिर आ जाते हैं A2OJ, है ना। A2OJ के बारे में मैंने आपको अगेन बोलूँगा, कोड फोर्सेस में रेड कोडर बनने का जब बता रहा था तो उसके बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे जाके, वहाँ के डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक्स देख लें। ठीक है, वहाँ रेटिंग और लेवल वाइज चलता है सब कुछ, बहुत ही सिस्टमेटिक। बात करते हैं हाउ टू बिल्ड लॉजिक। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल, यानी इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं हैं। एक बात बताओ, जैसे हम बोलते हैं कि JEE के बारे में देखते हैं, JEE के बारे में बात करते हैं, कि अगर मैंने फिज़िक्स की एक थ्योरी पढ़ ली तो क्या मेरे से क्वेश्चन लगेंगे, और वो भी JEE लेवल के, है ना, NCERT के ही नहीं होते हैं। तो यही बात है कि हमें थ्योरी हो गई, हमें समझ में आ गया, हमने कुछ क्वेश्चन लगा लिए, मगर लॉजिक बिल्ड करना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि हमें अब कुछ क्वेश्चन लगाएं उसी पे आगे नहीं सरवाइव कर सकते हम, कॉम्पिटिटिव जर्नी में हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं बिल्ट होता, एक क्वेश्चन को देख के क्लिक नहीं होता कि हाँ यहाँ पर डिवाइड एंड कंकर लगेगी, है ना, ऐसी चीज़ें, बैक ट्रैकिंग लगेगी, ये सब चीज़ें, है ना। तो लॉजिक बिल्ड करना इज़ अ बिग थिंग। तुम्हें कैसे होगा ये लॉजिक बिल्ड? तो बहुत से बच्चे सोचते हैं एक टाइप का असंभव है कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया, मैं इतना एक्सपर्ट हो जाऊँ कि क्वेश्चन मिला, मैंने लगाया लॉजिक और फटाफट से हो गया। तो इसकी बेसिकली पहली चीज़ जो है कंसिस्टेंसी है। देखो हर चीज़ जो है कंसिस्टेंसी से बनती है। तुम्हें अगर तुम्हारी आदत बिगड़ती भी है ना, अगर
चलो बनने की तो छोड़ो, जैसे अगर बनने की बात करें तो तुम सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करते थे, मगर आप 1-2 महीने तक कंसिस्टेंट रहे तो उठने लग गए। बिगड़ने में क्या, अगर तुम्हें मान लो कि म्यूज़िक वीडियो देखने का शौक नहीं था, मतलब तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे समय बर्बाद करोगे या कोई फनी कॉमेडी देख के, है ना, मगर तुम्हें धीरे धीरे क्या हुआ, एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि अब तुम्हें आदत सी हो गई, अब तुम उसकी लत लग गई है ना। तो वो कैसे हुआ, तुम्हारी कंसिस्टेंसी पे। अब बीच में छोड़ देते मोबाइल का यूज़ करना या फिर बैडमिंटन खेलना शुरू कर देते, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो हैं ये हमें, फिज़िकल गेम्स जो हैं ये हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं इस जाल से बचने में। ठीक है, छोड़ो, ये तो अलग टॉपिक हो गया। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्ड करने में, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे। सेकंड आता है सेल्फ सॉल्विंग, ये खुद से सॉल्व करना। पहले देखो हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं, फिर बोलते हैं हाँ भाई ठीक है ये चीज़ गलत है। ठीक है, क्वेश्चन देखा, सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, फिर एडिटोरियल पढ़ा हिंट के लिए, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, हो गया, याद कर लिया, समझ में आ गया, ये अप्रोच है, ओके ओके, ये सब नहीं। ठीक है, तो सेल्फ सॉल्विंग सीखो पहले, और फिर आते हैं प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक चीज़ के लिए, यानी तुम कितना टफेस्ट चीज़ भी होगी ना, तुम्हें वो पार करवा देगी। ठीक है, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, मेकिंग नोट्स फ्रॉम क्वेश्चन, ये काफ़ी आलस भरा चीज़ है, और जो करता है ये वो बहुत कम बच्चे होते हैं, बाकी सोचते हैं हम दिमाग में कर लेंगे। देखो क्वेश्चन से हमें एक चीज़ समझ में आती है, देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होगा, एक चीज़ क्लियर रहती है कि ये क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है ना, उस क्वेश्चन ने हमें आखिर में क्या दिया। ये हम ऐसे नहीं सोचते कि एक आदमी था वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ट्रैवल कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, ऐसी चीज़ें। तो वो चीज़ पकड़ो, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए इस अप्रोच से होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेक नोट्स। तो कंसिस्टेंसी, सेल्फ सॉल्विंग, प्रैक्टिसिंग, मेकिंग नोट्स आर द इम्पॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड लॉजिक, ये बात समझ में आती है। तो आगे आ जाता है, आखिरी टिप दूंगा मैं, आखिरी पॉइंट दूंगा, टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए टिप्स ध्यान में रखना, बहुत कुछ बता दिया है मैंने इन 2 पेजेस में, 2 पेजेस में बता दिया है बहुत कुछ, और होप आपको समझ में भी आया होगा। तो टिप्स क्या हैं, 3 चीज़ें हैं, एक्यूरेसी, स्पीड और प्रोटिप। प्रोटिप छोड़ो, 2 चीज़ें सुनो पहले, एक्यूरेसी और स्पीड। बात आती है कॉम्पिटिटिव की, ठीक है, तो तुम्हारे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है और स्पीड तो होनी ही चाहिए। तो एक्यूरेसी कैसे बढ़ती है, तुम एकदम सही जगह पे निशाना कैसे मारते हो, प्रैक्टिस है, ड्राई रन करके। ठीक है, यहाँ पे निशाने की बात नहीं हो रही है, कोडिंग की बात हो रही है, ड्राई रन करके मन में करें, सबमिट ना करें, ड्राई रन। वैसे आजकल रन वाला भी सिस्टम है, मगर तुम जब वैसे वहाँ जाओगे, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट की कोडिंग में, तो वहाँ तो नोटपैड पे करना होता है, तो वहाँ ड्राई रन होगा सबमिट करने से पहले। ठीक है, तो ड्राई रन मतलब क्या होता है कि तुमने कोड लिखा, उसको एक बार खुद दिमाग में चला के देखो, दिमाग में यानी पेन पेंसिल लेके, डेफिनेटली तुमने इनपुट इतना दिया तो आउटपुट क्या आएगा, हमने एज केसेस भी देखे क्या होने वाला है, आफ्टर रन एनालिसिस भी करो कि रन करने के बाद क्या हुआ, ये कैसे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, तुम जैसे कुछ भी फाइनल आंसर की जगह बीच बीच में प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो, प्रिंट वेरिएबल सी, प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी, जितने भी हैं उनको प्रिंट करवाते रहो बीच बीच में कि उनकी वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर पता लगाओ। ठीक है, तो ये आफ्टर रन एनालिसिस हुआ, तो एक्यूरेसी तो समझ में आती है। ठीक है, बात करते हैं स्पीड की। ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी देखते जा रहा हूँ साथ साथ, स्पीड जो है हमारी किससे बढ़ती है। ऐसे बोलते हैं यार ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, ठीक है, तो मैं ये चीज़ें बोर्ड में पता चली होंगी, है ना, तो मैं आया कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करो। ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फटाफट से कर दिया, ये चीज़ तो एग्ज़ाम्पल में थी, ये चीज़ तो थ्योरम 7.1 ऐसे करके था ना। तो वही चीज़ होती है, अगर तुमने इतनी प्रैक्टिस कर रखी हो कि तुम्हें क्वेश्चन देख के ही तुम्हें अंदाज़ा हो जाए अच्छा ये तो इस तरह से होने वाला है, तो हम कर क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे फटाफट से। ठीक है, हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें मिल गया वो, यानी सर्च करा हमने मगर शुरुआत में मिल गया, ऐसे कह सकते हैं। फिर बात आती है हमारी वर्चुअल टेस्ट की। वर्चुअल टेस्ट कोड फोर्सेस में हो जाते हैं,
ऐसा लगेगा कि तुम असली कॉन्टेस्ट दे रहे हो, मगर तुम वर्चुअल टेस्ट का यूज़ करके तुम अपनी रेटिंग, अपनी रैंकिंग पता लगा सकते हो, कितनी जल्दी करा, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्स निपेट्स होने चाहिए। क्या होता है ये, इसको मैं टैम्पलेट कह सकता हूँ एक टाइप का, या फिर कुछ क्या होता है, कोडर देखे होंगे आपने, या जब गूगल के कॉन्टेस्ट होते हैं तो कुछ लोग पहले से ही लगा के बैठते हैं, मतलब आधा से ज़्यादा कोड उन्होंने पहले लिख रखा होता है, उनको बस एक लॉजिक बिल्ड करना होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखो, लीड कोड का कोई भी क्वेश्चन करो, सिर्फ क्लास सॉल्यूशन के अंदर चलता है, तो लॉजिक बिल्ड हो रखा है, मतलब पीछे टैम्पलेट बन रखा है, बस तुम्हें लॉजिक बिल्ड करना है और आंसर हो जाएगा। तो वो स्पीड में मैटर करता है। अब तुम जब जब कोड कर रहे हो, तुम बार बार लिख रहे हो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, है ना, या इनपुट लिया ए नाम से भी, है ना, तो ये चीज़ पहले करके रख लो, ठीक है। जैसे गूगल के कॉन्टेस्ट में case 1 case 2 ये सब होते हैं ना, कॉलन वगैरह आता है, तो वो चीज़ पहले होती है तो स्पीड एक टाइप की बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो सब करके रखते हैं वैसे, ठीक है। कोर्स निपिट, दूसरा तरीका क्या है कोर्स निपिट को समझने का, कि तुम्हें अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर एल्गो लगाई है, ठीक है, उस एल्गो का तुम्हारे पास पहले से ही वो होना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं सिस्टम। वैसे तो ये चीज़ें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तुम सर्च करना अलाउड होता है, है ना, तुम सर्च करो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है सर्च करो, है ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, मगर वो प्लेसमेंट के टाइम पे स्निपेट नहीं चलेंगे, तुम्हें फ्रॉम द बिगनिंग बनाना पड़ेगा। बात करते हैं प्रोटिप की। प्रोटिप क्या है भाई, कि पेयर प्रोग्रामिंग सबसे अच्छी चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ मैं कहूँगा ये, इसका जिक्र मैंने काफ़ी बार करा है। देखो, तुम अकेले करोगे ना तो कहीं ना कहीं तुम आलस आ जाएगा। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कुछ सीनियर ने और साथ में मेरे क्लासमेट्स ने मिलके हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया था जहाँ पे हम लीड कोड के एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कर रहे होंगे एक दिन में, ठीक है। तो वही है, काफ़ी सही चला, जितना भी चला, मान लो कि अगर एटलीस्ट 30 डेज तक चला ये चीज़, तो 30 डेज़ में हमें कुछ सीखने को मिला, हमारी नॉलेज बढ़ी है, इतना कन्फर्म है, ठीक है। हमें अप्रोचेस करने का मौका मिला है। देखो, अकेले कहोगे तो जैसे पार्क जाने की बात करता हूँ, ठीक है, मैं सुबह पार्क जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो फिर उठना ही उठना होता है, क्योंकि दोस्त भी साथ में है, बाहर इंतज़ार कर रहा है वो, ये होता है ना। अब हम कैसे करते थे, पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन में क्या करें। देखो, ऐसे हो सकता है कि तुम अपने दोस्तों को पकड़ लो, 3 दोस्त, उनको बोलो भाई गूगल चाहिए कि नहीं, गूगल चाहिए, हाँ बोलेगा, हाँ मेरे को भी जाना है, मैं भी कोडिंग करूँगा, कभी ना कभी काम आएगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि क्या होता है, लोग डरते हैं, लोग चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए, तो वो डर जो है, वो अगर तुम उस पर दुखते रख पे हाथ रख दोगे, बोलोगे कि भाई बाद में ना पछताना पड़े, आज कोडिंग कर ले मेरे साथ, ठीक है, तो उस बेवकूफ़ को पकड़ के या इंटेलिजेंट को पकड़ के, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम किसके साथ कम्फर्टेबल हो। अगर तुम बनना चाहते हो अपने लीडर, बॉस अपने ग्रुप के, तो तुम एकदम बन जाओ, है ना, नहीं तो किसी एक बंदे को पकड़ के फिर 2-3 करते रहो, और लास्ट में गूगल मीट कर लो या डिस्कस कर लो, फ़ोन पे तो होगा नहीं डिस्कस, है ना। ऐसे करके तुम पीयर प्रोग्रामिंग करो। सेकंड थिंग आती है अपसॉल्व, यानी पहले सॉल्व करने का तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा इसमें ये तरीका लगेगा, मगर ड्रायर, मतलब क्या बोलें उसको, हाँ पेन पेपर लेके नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। थर्ड आता है लाइव कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ज़रूर लो यार, ठीक है। तुम वैसे तो मेरे को पता है जब मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ नॉट टू डू प्रोग्रामिंग, हाउ नॉट टू बी अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, वो तुम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एक बार देख लेना। 2 वीडियो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, एक तो रेड कोडर कैसे बनना है और दूसरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर कैसे नहीं बनते हैं, वो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, बहुत डिटेल में बताइए, मतलब इतना भी नहीं कि एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताइए, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइव कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना एक बड़ी गलती भी होती है और आजकल के बच्चों के लिए आम बात है, ठीक है, वो बिना नॉलेज के ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं, रैंकिंग हटा बैठते हैं, है ना। तो लाइव कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, जो चीज़ें तुमने सीखी हैं वो चीज़ अप्लाई भी होगी, ठीक है। टाइम दो, एक कॉन्टेस्ट जो होता है 3 घंटे का होता है, कोई हार्डली 3 घंटे बैठता होगा, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो तीनों जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हार मान के बैठे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों को एंड तक लगे रहो यार, ठीक बात,
तो ये थे हमारी प्रो टिप वगैरह, एक्यूरेसी स्पीड की बात हो गई है, टिप्स हो गई हैं, बिल्डिंग लॉजिक सिखा दिया है, कॉन्टेस्ट स्ट्रैटेजीज बता दी हैं, साथ में हमारे टॉपिक आ जाते हैं, टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन टॉपिक्स का, वेबसाइट बता दी हैं, बुक्स बता दी हैं, बुक्स में बुक बताई है एक से, है ना, आगे बुक्स नहीं बताई क्योंकि तुम इतना करो 300 पेज पढ़ो, एक एक लाइन चाट जाओ चार बार ऐसे, ठीक है, मैं ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट दो तो करोगे, अगर तुम करोगे मून की तरफ शूट करोगे तो एक स्टार पर तो पहुँचोगे, है ना। तो रिसोर्सेज बता दिए, प्री रिक्वेस्ट बता दिए, बात करते हैं बेनिफिट्स बता दिए, और ये थी हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। ये मुझे क्या हुआ, मेरे को मिले थे ये, मैं करके आ रहा था, मैं सोच रहा था क्या टॉपिक डालूँ इस बार, ठीक है, तो मैंने ढूंढा, सर्च करा कहाँ पे, अपने मैंने फाइल्स जो डाउनलोड कर रखी हैं उसमें मेरे को एक ये पीडीएफ दिख गई, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ से है ना, मगर ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी पीडीएफ है। देखो ये चीज़ होती है, लिख के जो करता है ना वो कहीं ना कहीं डेडिकेशन दिखाता है, ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें भी पता होगी ऑलमोस्ट, है ना, मान लो 90% तुम्हें पता है, मगर तुमने कभी लिखा नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में धुंधली सी ब्लर इमेज है, क्लेरिफाई करना होता है चीज़ों को तो लिखना पड़ता है, ठीक है, लिख दिया करो, तुम भले ही करो ना करो लिख दो तो हाथ दिमाग कहेगा कि चलो करते भी हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी, तरीके, बेनिफिट, स्ट्रैटेजीज वगैरह वगैरह, ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना। आज मैंने ये तरीका लगाया, ये वाला कि साइड में छोटा कैमरा लगाया, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि बोलने का तो ठीक है मेरा, बढ़िया बन रहा है, मगर मैं देख नहीं, मतलब जब कहते हैं ना कि वीडियो के सामने या फिर लोगों के सामने बोलना हो, वो चीज़ नहीं हो रही है, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। देखो अभी तुमने देखा होगा इस वीडियो को, तो अभी मैं एडिट कर रहा था, हाफ़ वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, मोर देन हाफ, तो उसमें देख रहा था मेरी आँखें जो हैं वो कैमरे की तरफ नहीं देख रही हैं, ठीक है, सॉरी फॉर देट। अभी ये जो नया पार्ट है, अभी मैं कैमरे की साइड ही देख रहा हूँ, है ना, तो ये चीज़ बेटर है, और ये चीज़ें मैं सीखूँगा धीरे धीरे, और ऐसा भी होगा समय कि जब मैं एकदम फुली तैयार हो जाऊँ, प्रिपेयर हो जाऊँ टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोस विद माय फेस एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस भी है, आपने देखा होगा बैकग्राउंड नॉइज़ को, मैं क्या करूँ, है ना, या तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा इस वीडियोज़ बनाने के लिए, या फिर धूप में आना पड़ेगा। ऐसे ही मैं करता हूँ जनरली, जब जब वीडियोस आती हैं वो यही हो रहा होता है, मैं धूप में आया हुआ होता हूँ, है ना, फिर यहाँ पे नेट भी नहीं चलता है, तो दिक्कत बहुत सारी है, मगर हम करेंगे, लगे रहेंगे, ठीक है। तो होप यू एंजॉयड द थिंग एंड तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। डिस्क्रिप्शन भी मेरे एक टाइप का कम्युनिकेशन का वे है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं होता कि मैं वीडियो में जो बताता हूँ वो डिस्क्रिप्शन में उससे कम होता है या फिर उससे हटके मिलेगा आपको कभी कभार, ठीक है, तो वो यहाँ देखने को मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जितना रिसोर्स डाल सकता हूँ उतना डालूँगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, मेरे को कोई बात नहीं, चार व्यूअर्स आए चार ही काफ़ी हैं, है ना, यही हो रहा है आजकल, है ना, मैंने पिछले में काफ़ी बोरिंग चीज़ बनाई थी, थ्योरी पार्ट बता रहा था मैं आपको SQL वगैरह का, जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा बेटर रहता है ना, तो वो सब कोई बात नहीं, चार पांच लोग समझे हैं तो उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। फ़िलहाल जो चल रहा है वो बस सपोर्ट करना, जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए सपोर्ट करना, और हम आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, बढ़िया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, और सी या, चलो बाय। तू पास में से दिखा था जिधर दिया टाइम उधर शेयर मेरा लिए था।